Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra Sir. Today we are going to explain the syllabus of 10th class English. हाँ जी, 10th class English में session 2020 और 21st 2020 और 21 के session में अब आपके पास क्या syllabus है, क्या कटा हुआ है, कहां से क्या क्या marks, कौन कौन से question आएंगे, वो पूरा आपके लिए सिलेक्शन वो मैं लेके आया हूं कि आपने कहां से क्या क्या करना है। चलो जी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ जी, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, टेंथ क्लास के सिलेबस इंग्लिश की क्या क्या रहेगा, ये सेक्शन है कहां से आएगा, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा। टोटल में अगर मैं बात करूं तो इंटरनल आपकी 20 मार्क्स लगनी है, 20% यानी कि 20 नंबर तो क्या होने हैं, इंटरनल के होंगे और थ्योरी जो होगी आपकी 80 के होगी, टोटल आपका 100 का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें 40 मार्क्स के रहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से मैंने आपको बता दिया कहां कहां से आपको करना है, अभी बता रहा हूं और आपके लिए गेस भी लेकर आऊंगा मैं कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर कहां से करें, बस जो मार्क्स लगा दूंगा उन्हीं में को आपने क्वेश्चन को रिवाइज करना है, ध्यान से अच्छे से आपके नंबर फुल आएंगे जी, आपके नंबर दिलाने हैं मैंने। चलो जी आज की बात कर लेते हैं, तो रीडिंग सेक्शन से है, ए सेक्शन रीडिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंशन से, यहां से टू अनसीन पैसेज आएंगे, टू अनसीन पैसेज जो आपने सीन नहीं किए होंगे, अनसीन होंगे। मैं वहां अनसीन पैसेज में एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं आपके लिए कि कैसे आपको ये हैंडल करना है। यहां आपने टेंस देखना है, क्वेश्चन का टेंस देखना है, आंसर का भी वही टेंस रहना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन में टेंस रहेगा वो आपके आंसर में वही टेंस रहेगा। ये नहीं है कि आप कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज से जो का त्यों उठा के लाइन और यहां लिख देंगे, ऐसा मत करना। पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। तो जी टू अनसीन पैसेज आएंगे, टू यानी कि फिर वो एक एक नंबर वाले होंगे, एक एक नंबर में पूछे जाएंगे, टोटल हो गए 10 मार्क्स। फिर उसके बाद बी सेक्शन राइटिंग स्किल्स, उसमें एप्लीकेशन और लेटर में से एक आएगा, 5 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए 5। तो एप्लीकेशन लेटर में से हो गया एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, स्टोरी, पैराग्राफ, इंटरव्यू और कन्वर्सेशन, इनमें से कोई एक आएगा 5 मार्क्स का, टोटल 5 जी। सेक्शन सी ग्रामर, पंक्चुएशन, आर्टिकल, टेंसेस, मॉडल्स, नॉन फिनिट्स, नरेशन, 3 फ्रॉम इच पार्ट डू एनी 15, कोई 15 करने होंगे आपको, कोई 15, लेकिन प्रत्येक पार्ट में से आपको 3 जरूर करने होंगे, प्रत्येक पार्ट में से 3 जरूर करने होंगे और टोटल 15 करने होंगे। मान लीजिए एक जैसे पंक्चुएशन 4 दी हुई है तो 3 तो वहां से करनी ही करनी है, 5 दी होंगी तो 3 वहां से करनी होंगी, मोस्टली क्या होगा 4 ही आएंगे, तो 4 में से आपको क्या करना है 3, प्रत्येक इस पार्ट में से 3 तो करनी है, 15 होंगे जो पहले 15 ब्लैंक होंगे या क्वेश्चन होंगे, आंसर जो अब भी है आपके 15 चेक होंगे, जो 16th होगा वो ओवर अटेम्प्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट 15 आपके चाहे वो गलत हो ठीक हो वो जी वो 15 नंबर हो गए, एक एक नंबर के होंगे। सेक्शन डी प्रोज, प्रोज रीडर, फर्स्ट फ्लाइट से पैसेज, 2 आउट ऑफ 3 में से 2 आएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, 2 होंगे इनके 5-5 के होंगे, प्रत्येक का एक एक नंबर होगा, एक एक में आंसर देने हैं, 10 मार्क्स आपके हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वहां से 4 2-2 नंबर में होंगे, 8 हो जाएंगे,
तो जी ऐसे टाइप विद चॉइस, यहां चॉइस भी होगी, दो में से एक करना होता है, मोस्टली चॉइस ही होती है। तो जी एक क्वेश्चन करना होगा, 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स 5 हो जाएंगे। तो पोएट्री सेक्शन से क्या होगा, पोएट्री सेक्शन से 1 स्टेंजा आएगा, 5 मार्क्स हो गए। मोस्टली क्या था, चॉइस होती है इधर भी स्टेंजास में। शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, इसमें चॉइस होगी आपको 2, 3, 6 मार्क हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री रीडर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 3 आएंगे, 2-2 मार्क्स के 6 हो जाएंगे। और ऐसे टाइप यहां से भी आएगा एक, 5 मार्क्स का एक आएगा, और यहां से भी 5 हो जाएंगे आपके नंबर। अगर ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे आपके, 20 मार्क्स है वो इंटरनल होंगे। इस प्रकार से आपका 2020 और 21 का सेशन रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, 40 मार्क्स है। तो ये आपने अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया है। तो मैं बता दूं आपको, आप स्कोर कहां कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप नंबर कहां ले सकते हो, ये भी ध्यान में रख लेना। यहां एप्लीकेशन लेटर आप 6-7 क्लास से करते आए हो, इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा। यहां से 5 मार्क बिल्कुल इजिली आपको मिल सकते हैं। आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अनसीज पैसेज पर। एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट स्टोरी ये भी बहुत ही आसान रहता है आपके लिए, पिछली क्लासेस से आपने किया होता है, थोड़ी बहुत मेहनत से भी यहां से भी 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ग्रामर में सबसे आसान आ जाती है आपकी पंक्चुएशन, आपकी बुक में भी 5 और 6 एक्सरसाइज, 8, 9 बस इतनी एक्सरसाइज है। पंक्चुएशन कर लीजिए, कौन सा लेटर कैपिटल, कोमा कहां, यहां भी आप स्कोर कर सकते हो। आर्टिकल भी आसान रहती हैं, और उसके बाद फिर आप मॉडल कर सकते हो। नरेशन, टेंस और नॉन फिनिट आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। नॉन फाइनाइट में भी आप वो बातें कर सकते हो जो इजली है, थोड़ी सी बात रहती है। डिनाई, उसके साथ आईएनजी आता है, ये कुछ का मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल का थोड़ा सा कंसेप्ट भी होता है, आ जाता है तो थोड़ा फॉर्म भी आती है। तो यहाँ जो टीचर आपको बताएगा, मैं भी आपको बताता हूँ टाइम टू टाइम, यहाँ भी 2 मार्क्स हैं वो लिए जा सकते हैं, बड़े इजीली लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का ध्यान में रखें, तो यहाँ स्कोर कर सकते हो आप। और ऐसे टाइप में तो कोई, फिर आप ऐसे टाइप हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया जाता है आपको, उसी तरह पोएट्री में भी शॉर्ट आंसर टाइप है, गेस देते हैं टीचर, मैं भी आपको गेस दूंगा एंड में पेपर के मिन टाइम में, और आप अच्छा सा स्कोर करें, बढ़िया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेहनत कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।